सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित को लेकर जो कुछ किया वह काम कांग्रेस 65 साल में नहीं कर पाई। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस केवल किसानों के नाम पर विरोध करना जानती है। जिन किसानों के पास घर नहीं था, मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को घर मुहैया कराया, साथ ही जिनके पास जमीन नहीं था उन्हें पट्टा दिया। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह बात बैरसिया में पट्टा वितरण और दीदी कैफे के उद्घाटन के दौरान बात कही। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। समस्त उपस्थित मातृशक्ति, हमारे किसान भाई बहनों और अपना अधिकार लेने के लिए आए हुए हमारे समस्त बंधु बांधव, आपने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी होगी कि देते ही जा रही और देते ही जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विरोध करते जाते हैं इन चीजों का। भाजपा सरकार से ज्यादा अच्छा किसानों के लिए कभी 65 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि हमारे किसान मजबूत होते, हमारे लोगों को घर मिलता, जो घर जिनके पास घर नहीं उनको घर मिलता, जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टा दिया जाता, जिनके पास लकड़ी जलाने के लिए बारिश के सीजन में लकड़ी गीली हो जाती थी, धुआं निकलता था, कंडे जलाने पड़ते थे, धुआं निकलता था, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दी जा रही है जिससे हमारी मातृशक्ति शीघ्र काम कर सके और स्वरोजगार के लिए भी उत्प्रेरित होकर के समय दे सके। तो वास्तव में आज हम देख रहे हैं कि हमारी मातृशक्ति जहां बैठी है बहुत संख्या में है, और इसे कहते हैं विकास, इसे कहते हैं प्रगति, जहां महिला और पुरुष दोनों ही ये समाज के दो पहिए होते हैं, समाज रूपी गाड़ी के दो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।